नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल MD क्लासेस में। देखिए दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं RRB ALP CBT 2 परीक्षा के बारे में। देखिए RRB ALP CBT 2 परीक्षा का आंसर किया गया है, ऑब्जेक्शन लिंक एक्टिवेट हो गया है, बच्चे ऑब्जेक्शन करना स्टार्ट कर दिए हैं, लेकिन उसके संबंध में बच्चों के कुछ प्रश्न हैं, कुछ डाउट हैं, तो उन्हीं डाउट्स को आज हम डिस्कस करने वाले हैं, उन्हीं डाउट्स का आज हम आपको सोल्यूशन बताने वाले हैं। ठीक है, तो जो पहला प्रश्न है बच्चों का कि ये है कि अगर कोई ऑब्जेक्शन करता है कोई कैंडिडेट, तो क्या उस शिफ्ट के सभी अभ्यर्थियों को उसका लाभ मिलेगा या नहीं मिलेगा, या सिर्फ उसी कैंडिडेट को उसका लाभ मिलेगा। हमारा आज का जो दूसरा प्रश्न है जिस पे आज हम बात करने वाले हैं, तो पार्ट बी में किसके नंबर 26.5 आ सकते हैं। देखिए, काफ़ी कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिनके 22.5 नंबर हैं, काफ़ी कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिनके 25 नंबर हैं, 26 नंबर हैं, 24.5 नंबर हैं, और बहुत से कैंडिडेट्स ऐसे भी हैं जिनके 12 नंबर, 15 नंबर, 18 नंबर, 17 नंबर ऐसे हुए हैं। ठीक है, तो हम आज बात करेंगे इसके संबंध में, पूरी बात करेंगे कि किनके नंबर नॉर्मलाइजेशन होने पर आ सकते हैं 26.5 पार्ट बी में। ठीक है, और साथ ही साथ हम आपसे बात करेंगे आज कि नॉर्मलाइजेशन कैसे होगा। और तीसरा क्वेश्चन आज का जो है हमारा, ये है काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मान लिया आपने कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किया है और RRB ने उसकी जो आंसर की दी हुई है वो भी गलत दी हुई है, तो क्या उस पर आप ऑब्जेक्शन कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, और यदि आप ऑब्जेक्शन कर सकते हैं तो क्या उसका नंबर आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा। हाँ, ठीक है, तो हम चलिए बात करते हैं, स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कर लीजिए, जिससे हमारे चैनल पर आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे चैनल पर RRB का जो वैकेंसी आई है 1.3 लाख, उसके लिए क्रैश कोर्स स्टार्ट होने वाला है। हम इस बात का कतई वेट नहीं करने वाले हैं कि एग्ज़ाम डेट आ जाए फिर हम स्टार्ट करें क्रैश कोर्स, हम जल्दी ही क्रैश कोर्स स्टार्ट करने वाले हैं और आपको पूरे के पूरे नंबर दिलाने वाले हैं। ठीक है, साथ ही साथ आप अनअकैडमी पर भी फॉलो कर सकते हैं, वहां पर आपको लगातार वीडियो, रोज के रोज वीडियो अपलोड होते हैं। देखिए, पहला जो आज का क्वेश्चन है वो यही है कि क्या उस, अगर कोई ऑब्जेक्शन करता है तो क्या उस शिफ्ट के सभी अभ्यर्थियों को उसका लाभ मिलेगा या सिर्फ जो ऑब्जेक्शन करता है उसी अभ्यर्थी को लाभ मिलेगा। तो एक बच्चा था, उसने RRB अजमेर को ये मेल किया हुआ था कि क्या सर, अगर कोई ऑब्जेक्शन करता है तो उस शिफ्ट के सभी अभ्यर्थियों को लाभ मिलेगा या सिर्फ उसी अभ्यर्थी को लाभ मिलेगा जिसने ऑब्जेक्शन किया हुआ है। तो RRB अजमेर ने उसका रिप्लाई किया था कि पूरे शिफ्ट को, जितने उस शिफ्ट में जितने भी कैंडिडेट्स हैं उन सबको लाभ मिलने वाला है। ठीक है, तो आप अगर इस बात को लेकर ध्यान में रखिएगा कि आप दूसरे के भरोसे मत बैठिएगा कि कोई ऑब्जेक्शन करेगा, आप स्वयं ऑब्जेक्शन करिए, उसको देखिए कि अगर आप गलत हैं तो आप ऑब्जेक्शन उस पर करिए, हो सकता है कि कोई और किसी और का ध्यान ना जाए उस गलती पे, या कोई और आप ही की तरह दूसरे के भरोसे पे बैठा रहे, तो आप खुद ही ऑब्जेक्शन कर दीजिए। 150 रुपये के लिए आप भागिएगा मत, क्योंकि आपने 1000 किलोमीटर दूर जाकर के परीक्षा दी हुई है, आपको पता है CBT 2 में कितने दूर दूर तक सेंटर भेजा हुआ था, और आप 10-10 हज़ार रुपये, 5000-10 हज़ार रुपये खर्च करके पेपर देने गए थे, तो आप 150 रुपये के लिए मत भागिएगा, क्योंकि आपका सिलेक्शन होने के बाद आपको 150 रुपये भारी नहीं लगेंगे। ठीक है, देखिए आज का जो दूसरा प्रश्न है वह ये है कि क्या अगर आपने किसी क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं किया है और RRB ने अपने आंसर की में उसका आंसर गलत दिया हुआ, यानी RRB ने जो आंसर की दी हुई है उसमें जो ग्रीन करके सही आंसर दिया हुआ है, अगर RRB ने उसका आंसर जो है गलत दिया हुआ है उस क्वेश्चन का, तो क्या आप उस पर ऑब्जेक्शन कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो एक बच्चे ने RRB अजमेर को ये मेल किया था, तो RRB अजमेर ने उसका रिप्लाई दिया था कि आप ऑब्जेक्शन कर सकते हैं और आपको उसका नंबर मिलेगा, साथ ही साथ पूरे शिफ्ट के अभ्यर्थियों को उसका नंबर मिलेगा। ठीक है, तो आप उसको भी कर सकते हैं। देखिए, अगर आपने कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किया है और आंसर किया गया है, तो आप उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करके एक बार अपने घर पे देखिएगा, अगर सही आंसर आ रहा है तो ठीक है, उसको चेक करिएगा, क्रॉस चेक करिएगा, अगर आंसर सही नहीं दिया हुआ है RRB ने
तो उसको आप जरूर ऑब्जेक्शन करिएगा, उस क्वेश्चन का आप ऑब्जेक्शन जरूर करिएगा। 150 रुपये एक क्वेश्चन का 50 रुपये ही लगना है, तो उसके लिए आप बिल्कुल मत घबराइए, आप ऑब्जेक्शन कर दीजिए। आपको उसका नंबर देखिए, आप नहीं किए हैं फिर क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किए थे, फिर भी आपको उसका आंसर मिलने वाला, उसका नंबर मिलने वाला है 50 रुपये में, तो आप उसका मतलब तुरंत ऑब्जेक्शन कर दीजिएगा, जल्दी से ऑब्जेक्शन कर दीजिएगा। ऑब्जेक्शन लिंक एक्टिवेट हो गई है, तो आप ऑब्जेक्शन कर दीजिएगा। देखिए तीसरी बात ये है कि नॉर्मलाइजेशन कैसे होगा, ठीक है, नॉर्मलाइजेशन कैसे होगा। तो देखिए ये जो आरआरबी जेई के लिए नॉर्मलाइजेशन का जो फॉर्मूला दिया था आरआरबी ने, वो ये था, ठीक है। तो इसी फॉर्मूले से आरआरबी नॉर्मलाइजेशन कर रहा है, सभी एग्जाम्स में आरआरबी इसी फॉर्मूले से नॉर्मलाइजेशन कर रहा है। ALP CVT 1 में भी ध्यान रखिएगा, ALP CVT 1 में बहुत ज़बरदस्त नॉर्मलाइजेशन हुआ था, वहाँ पर भी इसी फॉर्मूले से ही नॉर्मलाइजेशन किया गया था, ठीक है। देखिए काफ़ी कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिनको नहीं पता था, जो जानना चाह रहे थे कि आखिर नॉर्मलाइजेशन कैसे हो रहा है, तो ये फार्मूला है। देखिए हमारे पास पूरा डाटा नहीं है हमारे पास, इसीलिए हम यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन आपको करके नहीं बता सकते हैं फिलहाल, लेकिन ये है कि नॉर्मलाइजेशन ऐसे ही हो रहा है। देखिए ALP CVT 1 की जो बात थी, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा फ्लैक्चुएट कर रहा था, काफ़ी ज़्यादा शिफ्ट थे वहाँ पे नॉर्मलाइजेशन करने का, मतलब उनका अपना मानक होता है कि नॉर्मलाइजेशन कैसे करना है, फिलहाल इसी फॉर्मूले से नॉर्मलाइजेशन होगा, ठीक है। देखिए जो तीसरी बात है वो ये है कि किसके नंबर 26.5 आ सकते हैं, ठीक है। तो ALP CVT 1 की बात करें तो ALP CVT 1 में काफ़ी ज़्यादा शिफ्ट में पेपर हुए थे, हर शिफ्ट का अपना अलग अलग लेवल होता है, ठीक है। तो ALP CVT 1 में एक महीने तकरीबन आपका पेपर चला था, काफ़ी ज़्यादा शिफ्ट में पेपर हुए थे, हर दिन 3 शिफ्ट हो रहा था पेपर, तो वहाँ पे पेपर का जो लेवल था उसमें काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस होता था। किसी शिफ्ट में बहुत ज़्यादा टफ पेपर आ जाता था, तो किसी में बहुत ज़्यादा आसान आ जाता था, तो किसी में मॉडरेट आ जाता था। और नॉर्मलाइजेशन इस बात पे भी डिपेंड करता है कि बच्चों ने नंबर्स कैसे लाए हुए हैं, आपने कितने गलत क्वेश्चन अटैम्प्ट किए हुए हैं, तो इन सारी चीज़ों पर भी नॉर्मलाइजेशन काफ़ी ज़्यादा डिपेंड करता है। तो ALP CVT 1 में काफ़ी बच्चे ऐसे थे जो बहुत अधिक नंबर लेके आए थे, 75 का पेपर था, हालांकि उसने बाद में 100 नंबर पे उसने कर दिया था, नॉर्मलाइजेशन करने के बाद 100 नंबर पे आपका आंसर आया हुआ था, लेकिन अगर मैं 75 की बात करूं, 75 नंबर की बात करूं, तो वहां पर काफ़ी ज़्यादा बच्चे ऐसे थे, कई शिफ्ट में बच्चे ऐसे भी थे जो 75 में से 62 नंबर तक लेकर के आए थे, और कई शिफ्ट में बच्चे ऐसे हुए थे जो 75 में से केवल 40-45 लेकर के आए थे, ठीक है। तो इसी वजह से नॉर्मलाइजेशन काफ़ी ज़्यादा हुआ था। ALP CVT 1 में देखिए नॉर्मलाइजेशन में काफ़ी बच्चों को 15-15 नंबर मिल गए थे, 20-20, 22-22, 25-25 नंबर तक मिल गए थे CVT 1 में, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी थे जिनको 10 नंबर मिले थे, कुछ बच्चों को तो नंबर ही नहीं मिला था, 10 नंबर 15 नंबर ऐसे मिला था, कुछ को 20 मिला था, 25 मिला था। देखिए वो पूरे शिफ्ट पे डिपेंड करता है कि उस शिफ्ट पे बच्चों ने कैसा प्रश्न किया हुआ है, और बाकी और शिफ्ट पे भी डिपेंड करता है कि बाकी शिफ्ट में भी प्रश्न कैसा किया गया है। नॉर्मलाइजेशन इन सारी चीज़ों को आपके शिफ्ट पे और आने वाले शिफ्ट पे जो पीछे शिफ्ट में पेपर हुए हैं, इन सारी चीज़ों पर नॉर्मलाइजेशन डिपेंड करता है। लेकिन CVT 2 की अगर हम बात करते हैं, तो CVT 2 में केवल 10 पालियों में परीक्षाएं हुई हैं, केवल 10 शिफ्ट में परीक्षा हुई है, तो काफ़ी ज़्यादा शिफ्ट में परीक्षा ना होने के कारण पेपर में डिफरेंस बहुत ज़्यादा नहीं है। और दूसरी चीज़ ये भी है कि पेपर के लेवल में डिफरेंस नहीं है, ये तो पहली चीज़ है, दूसरी चीज़ ये भी है कि बच्चे जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा बच्चे ऐसे हैं जो एकदम मतलब पास मार्क्स से ही पे ही हैं, खड़े हुए हैं, ठीक है। बहुत कम बच्चे ऐसे मिलेंगे आपको जिन्होंने 40-45 नंबर स्कोर किया हुआ है ALP CVT 2 परीक्षा में और पार्ट बी में, ALP CVT 2 के पार्ट बी परीक्षा में बहुत कम बच्चे आपको ऐसे मिलेंगे जो कि 40-45 नंबर स्कोर किए हुए हैं। बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो पार्ट ए में 80 नंबर 75 नंबर ऐसा स्कोर किए हुए हैं, लेकिन पार्ट बी में उन्होंने 26 नंबर 25 नंबर 24 नंबर ऐसे, यानी कि पार्ट बी वो क्वालिफाई नहीं कर पाए हैं। तो देखिए काफ़ी ज़्यादा तो नंबर आपको मिलने वाले नहीं हैं, अगर देखा जाए तो 5 से 6 नंबर नॉर्मलाइजेशन में आपको मिलने वाले हैं। यहाँ पर अगर नॉर्मलाइजेशन होता है, नॉर्मलाइजेशन होकर के रिजल्ट आएगा, तो आपको आपका 5 से 6 नंबर बढ़ने का चांस है। तो अगर आपका 24 नंबर 25 नंबर 22 नंबर 21 नंबर इस तरीके से है, तो आप श्योर हो सकते हैं। अगर आपका 25 नंबर है 24 नंबर है, तो आप 99% 95% तक आप श्योर हो सकते हैं
कि आपका नॉर्मलाइजेशन में नंबर बढ़ेगा और आपका पार्ट बी क्वालिफाई हो जाएगा। आपको सिर्फ पार्ट बी क्वालिफाई करना है, उस पर आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। पार्ट ए की बात करें तो पार्ट ए में तो बच्चे 80-80 नंबर लेकर के आए हैं, 60-60 नंबर, 80 नंबर, ऐसे बच्चे नंबर लेकर के आए हैं, तो पार्ट ए में कोई दिक्कत की बात है ही नहीं। देखिए पार्ट बी में 40-45 नंबर वही बच्चे लेकर के आए हैं, बीटेक किए हुए थे, डिप्लोमा किए हुए बच्चे, ये सारे बच्चे ही नंबर लेकर के आ पाए हैं, ठीक है। और अगर हम बात करते हैं नॉर्मलाइजेशन की, नॉर्मलाइजेशन की बात कर ही रहे हैं हम लोग, तो पार्ट जो बी था इसमें क्वेश्चन टेक्निकल थे पूरे आपके, ठीक है। तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है आपको, 5-6 नंबर आपके बढ़ जाएंगे। आपके अगर 22 नंबर हैं तो आप उसमें बिल्कुल परेशान मत होइए, आपके नॉर्मलाइजेशन होगा, नंबर बढ़ जाएंगे, आप क्वालिफाई कर जाएंगे, ठीक है। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग माई वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक कर दीजिए, वीडियो को हमारे शेयर कर दीजिए, चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ अगर आप रेलवे की जो वैकेंसी आने वाली है उसकी तैयारी करना चाहते हैं तो क्रैश कोर्स हमारे चैनल पर स्टार्ट होने वाला है, लाइव क्लासेस चलेंगी। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग माई वीडियो।